हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी ने 10 जुलाई 2024 को अगर एनसीईआरटी का एग्जाम दिया था टीचर यानी अध्यापक बनने के लिए, तो ये न्यूज़ आपके लिए है। आप सभी ने 10 जुलाई 2024 को अपना एनसीईआरटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम दिया था ताकि आप बीएससी बीएड बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड आप कर सकते हो। आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्जाम है वो टीचर बनने के लिए होता है। आप सभी ने अगर एग्जाम दिया था तो इसका रिजल्ट जो है वो 9 अगस्त को डिक्लेयर हो गया था और सभी ने अपना अपना जो रिजल्ट है या जो आपका स्कोर कार्ड है उसे आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, कितने स्कोर हैं। जिस बच्चे का स्कोर 300+ है वो बिल्कुल श्योर हो जाए कि उसका एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। और हाँ, रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में अब तक जो है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक केवल 5 यूनिवर्सिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उसमें एक IIT भी है। जी हाँ, तो अब आपको ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। तो मेरा राय सबके लिए है कि रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, कम से कम उस यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहा है। जैसे कि एक छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, हाँ, रविशंकर यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो गया है और यहाँ फ्री हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ कोई पैसे नहीं लग रहा है। वहीं पर एक यूनिवर्सिटी और है, उसका नाम है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन और आप यहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। उन्हीं में से एक पंजाबी यूनिवर्सिटी भी है, वहां पर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो गया है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 150 है, 150 से 200 के बीच में है, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको लग रहा है कि यार मेरी या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं, लास्ट ईयर तक 160 वाले का भी एडमिशन हुआ था और हो सकता है कि जो OBC ऐसे आते हैं वो 140 150 वाले का भी एडमिशन हो जाए। तो आपको जो है सब्र करना है और काउंसिल के लास्ट राउंड तक आपको जाना है, ठीक है। इग्नू का रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, शायद अगले हफ्ते या इस हफ्ते के लास्ट तक में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन पर अपनी जो नजर है वो बनाए रखें, रेगुलर चेक करते रहें। तो जो मैंने अभी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है उसी में एक है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, वहां भी जो है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो DU में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, चाहे आपके नंबर कम ही क्यों ना हो, क्या पता आपके मार्क्स कम हो। और कोई ऐसा स्टूडेंट्स जिसने अपनी एक सीट छोड़ दिया हो उसके स्थान पर आपको मिल जाए सीट, तो रेगुलर अपडेट आपको रखना है, अपडेटेड रहना है। और नई नई जानकारी के लिए मैं आपके सामने इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो लाता रहूंगा। बात रही कम मार्क्स वाले का, तो बता देता हूं 150 वाले का भी एडमिशन होता है, तो सब्र नहीं खोना है। असम के अंदर एक यूनिवर्सिटी और है, त्याग वीर हेमब्रू कॉलेज असम में है, इसमें भी जो है स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, जो कि शायद फ्री है, अगर कॉस्ट भी है तो बहुत हल्का सा रुपए है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सको अलग अलग कॉलेज में और आपका नंबर जो है वो आ सके। एंड तक आपको वेट करना है। और साथ ही साथ जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप लोग एडमिशन लेते हो BA BSc BEd, उसमें आप बैकअप के लिए एडमिशन लेके रखें ताकि अगर यहां नहीं हुआ तो वहां आपका जो साल है वो खराब ना हो। और हाँ, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को डिजिटल साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इंग्लिश मीडियम के लिए ये बेहतरीन चैनल है। तो देखो, जिनके मार्क्स कम हैं और वो डर रहे हैं कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो मैं ऐसे स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपके मार्क्स 150 से ऊपर हैं और 200 के बीच हैं तो भी। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाना है, सब्र करना है और हर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। तो मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में,
तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।